लेकिन अगर हम नहीं करते तो आज यहां नहीं होते। तो जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है रिस्क। मैं गुड्डू पंडित अगर जाके जब वो कहता है कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर आए और तुम नहीं मिले, पता बता दो वकील साहब, तो वकील जवाब देता है कि अगली बार मुन्ना भैया गए और लौट कर वापस ही नहीं आए। इसलिए ना उसने तो यही है कि इस जीवन में जो रिस्क लेगा बस वही आगे बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकादमी शासन ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं जैसा कि प्रयागराज सिविल लाइन, तो यहाँ पे भी आए हैं ओझा सर। तो अभी हम लोग अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं जहाँ पे ओझा सर आए हुए हैं। तो अभी हमें अचानक पता चला मैसेज के द्वारा, तो हम फटाफट एकदम से मतलब कि तैयार हुए, उसके बाद सीधे यहाँ पे चले आए। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ओझा सर के जैसा कि बोर्ड भी लगा हुआ है, तो अभी हम वहाँ पे अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ओझा सर आए और उनकी जो ज्ञान की बातें वो आपको दिखाते हैं। आज्ञा स्वरूप गुरु की आज्ञा थी,
ऊपर जो आराम से रहना ऊपर, कोई धक्का मत देना, नहीं तो सब नीचे आ जाओ। सबसे कम पारिश्रमिक उसको मिलता है जो शरीर के श्रम
रिक्शा वाले को देखो, पूरा दिन श्रम, निराशा, उपेक्षा और रात में उसकी कमाई कितनी है, मैक्सिमम 500 रुपया मैक्सिमम। उससे बाद जो दूसरा श्रम है वो मानसिक है, मन मानसिक श्रम की कीमत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये जो राजशाही की परीक्षा है, ये राजशाही की परीक्षा है। और मैं कह रहा था कि 1980 के दशक में सबसे ज्यादा रिजल्ट जो था वो प्रयागराज से था, और आज भी होगा। ये जो बड़े बड़े मेट्रो में कोचिंगें चल रही हैं, इतने बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंगें चल रही हैं, और ये बड़े बड़े शहरों के जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। प्रसादों के कन्नाव शिखर होते कबूतरों के शिखर, महलों में करुण रहता है कंचन पर कभी न सोता है, रहता तो कहीं सलोनी में, मैं इलाहाबाद से प्रयागराज से मैं दिल्ली जा रहा था वंदे भारत में। तो हम लोग जब पढ़ने गए यहाँ तो टिकट तो कभी लेते नहीं थे, जैसे आप नहीं लेते हैं। तो हमें डीटी को कहना पड़ता था कि सर तो शायद ही किसी डीटी ने कभी हम लोगों को परेशान किया, किसी ने नहीं किया। चाहे हम बनारस सेंटर गए, मैहर सेंटर, एमपी सेंटर गए, एग्जाम देने लखनऊ गए, किसी भी डीटी ने एक बड़ी अच्छी बात थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एडमिट कार्ड है वो दुनिया में बड़ा पावरफुल एडमिट कार्ड है। तो जहां तक मुझे याद है कि हम जब भी निकले एग्जाम देने जबलपुर गए या जहां भी गए तो किसी टीटी ने कभी परेशान नहीं की, नहीं नहीं ठीक है एग्जाम देने जा रहे जाओ। पहली बार जिसका भी एडमिशन हो जाता था इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री बन जाता था, उसकी तुरंत शादी हो जाती। इसी में और सर मेरी एक छोटी सी इच्छा है, आप मुझे दोनों में आसपास से कह दिया। मैं भैया आपसे मिलूंगा। पहले तो यह है कि इन्होंने दो तीन बातें कही है, कहा कोई ऐसी रणनीति बता दीजिए जिससे कम समय बहुत 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 प्यारा सवाल है। क्योंकि अगर और यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सीनियर, हमारे बड़े भाई यहाँ पिछले 5 साल से रह रहे हैं, 6 साल से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं, ये देख रहे हैं कि दोनों को बड़ा समय लग रहा है। वो समय क्यों लग रहा है उसकी वजह मैं बता दूं। अब ये जो कम समय की बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई रणनीति बताइए कि कम समय में सुरक्षित हो जाए, तो ये किस परिप्रेक्ष में कम समय की बात कर रहे हैं? हम ले लेंगे, ले लेंगे बिना लिए जाएंगे। तो 5 साल की तुलना में, 6 साल की तुलना में इनका कहना है कि कुछ कम समय। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो समय बहुत लगा, यानी सीखने में समय लगता है। जब आप साइकिल चलाना सीखना शुरू किए तो आप कुछ दिन साइकिल लेके सिर्फ भागे बैलेंस करने के लिए, फिर कैंची चलाए, फिर बैठे तो बैठे गति, आप गति क्या करते हैं, आप उस समय को बचाने के चक्कर में शिक्षा में भी, पढ़ाई में भी, तैयारी में भी पहला जो चरण है वो बहुत स्लो होता है, और वो 3 महीने का चरण है। वो 3 महीना जो पूरा नहीं करेगा उसे करना ही करना है। भाई आप सब लोगों को लगता है दिल्ली चले जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कितने लोग दिल्ली जाके वापस आके यहां रह रहे हैं,
जिसको भारत में बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। यस सर, हमारे घरों में लोग कहते थे कि हिस्ट्री पढ़ के कोई नौकरी मिलेगी भैया, हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनेंगे, नौकरी तो नहीं मिलेगी, तो हम भी मानते हैं। साइंस का सब्जेक्ट सिद्धांत पर बेस्ड है और ह्यूमैनिटीज जो है वो एनालिसिस पे बेस्ड है, मनन पे। आपको सारे फैक्ट सामने रखने पड़ेंगे और फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, उस जोड़ने से जो कहानी पैदा होगी वो तैयारी है।